ये एक नया वीडियो सीरीज है जिसमें हम लोग बात करेंगे HTML5 के बारे में। HTML5 क्या काम करता है, कैसे काम हो सकता है उसमें, सारी चीज़ों समझेंगे। देखो, कोई भी वेबसाइट जो हम लोग इंटरनेट पे सर्व करते हैं या चेक करते हैं, जैसे मान लो ये google.com जो हम लोग दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं, या कोई और वेबसाइट जैसे facebook.com या मेरा ही कोचिंग का वेबसाइट codebysadiq.com, ये सारे वेबसाइट में ना एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि सब में एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है। इस ढांचा को हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो सिंपली राइट क्लिक करेंगे और ओपन पेज सोर्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसका कोड नज़र आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मेरे वेबसाइट का भी आप ढांचा देख सकते हैं, ओपन सॉरी इमेज के ऊपर क्लिक कर दिया, ओपन पेज सोर्स ये कोड है और ये कोड काफ़ी लंबा है। देखिए, ये ढांचे में सबसे ज़्यादा लाइन जो लिखा हुआ है वो है HTML का कोड। ये क्या बताता है, देखो HTML का डिज़ाइन या HTML का कोड ये बताता है कि हमारा कौन सा चीज़ कहाँ पर रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये लोगो है, ये यहाँ पर रहेगा, उसके कुछ दूर बाद ये यहाँ पर लिंक रहेगा, यहाँ पर बटन रहेगा, यहाँ पर हेडिंग रहेगा, पैराग्राफ यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर नीचे बटन रहेगा, यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है, ये इमेज है, आप देख सकते हैं, इसको अलग करके दिखा देते हैं, फ़ोटो लगा हुआ है। फिर आप नीचे देख सकते हैं कि कई तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं, हर बॉक्स पे टच करने पे अलग इंप्रेशन आ रहा है, लेकिन कोई कंटेंट कैसे सजेगा या कैसे रहेगा, इसको हमेशा हम लोग HTML से डिज़ाइन करते हैं। देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि HTML सिंपल सी समझ सकते हैं कि अगर HTML और CSS को अंतर करना हो तो हम लोग इसको कई एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मैं गूगल में सिंपली सर्च कर रहा हूँ HTML वर्सेस CSS, इसके एग्जांपल को समझो। यहाँ पे एक फ़ोटो बना हुआ है, एक कंकाल है, स्केलेटन है, और दूसरा वाला एक पूरा शरीर है। तो पहला जो स्केलेटन है वो बेसिकली उस शरीर का ढांचा है, और क्या है, ढांचा है। तो अगर हम लोग बात करें ढांचे की, तो हम लोग अपनी बॉडी में जो ढांचा देखते हैं वो HTML की तरह काम करता है, या ये भी कह सकते हो कि HTML जो है वो ढांचा बनाता है और कुछ नहीं। तो हम लोग जब कोई वेबसाइट को यूज़ करेंगे तो वो ढांचा बनाएगा किसका, वेबसाइट का। तो हम लोग HTML से किसी वेबसाइट का ढांचा बना सकते हैं, और CSS क्या करेगा, CSS उस ढांचे को सुंदरता देगा। अगर कोई इंसान अपना ही कंकाल देख ले तो डर जाएगा, जबकि उसका कंकाल खुद का है, लेकिन फिर भी वो डर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी सुंदरता नहीं है, इसीलिए वो स्केलेटन लेयर है, जो हम लोग को नॉर्मली दिखता नहीं है। हमको जो दिखता है वो प्रेजेंटेशन लेयर कहलाता है, वो चीज़ जो हम देख पाते हैं। ऐसे ही तुम किसी बाइक का देख सकते हो या फिर किसी घर का देख सकते हो। घर के अंदर भी तुम देखोगे कि जो अंदर में पिलर्स होते हैं बहुत छुपे हुए होते हो, पिलर्स ढांचा होता है, एक्चुअल ढांचा होता है, नीचे का नींव या फिर उसके अंदर का नीचे का ग्राउंड या उसके ऊपर का छत, ये सब कुछ छुपा हुआ होता है एक अच्छे डिज़ाइन के साथ, प्लास्टर जिसे कहते हैं या कलर डाल दिया जाता है ताकि वो अच्छा दिखे। तो नॉर्मल जो हम लोग घर देख रहे हैं हाफ इधर वाला, वो ढांचे की तरह है, HTML की तरह है, लेकिन CSS क्या करेगा, उसको सुंदर बना सकता है, प्रेजेंटेबल बना देगा, देखने लायक बना देगा। इसी तरीके से अगर हम बाइक का एग्जांपल देखेंगे तो बाइक में भी सेम एग्जांपल आता है। देखिए, हम कई तरह के एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, कार का एग्जांपल ले सकते हैं, बाइक का एग्जांपल ले सकते हैं। तो बाइक के हम चेचीज दिखाते हैं आपको, एक एग्जांपल समझ लो, कोई भी बाइक या स्कूटर का चेचीज होता है। चेचीज का स्पेलिंग क्या होता है, चेचीज, आइए देखो, ये बाइक का एक्चुअल ढांचा है। अगर हम ढांचे की बात करें तो यही बाइक है और यही बाइक, लेकिन आपको बाइक के अंदर ये वाला पार्ट दिखता नहीं है, लेकिन सबसे मजबूत पार्ट कौन सा होता है, यही होता है। आपको देखने में कैसा लग रहा है, अजीब सा, और ये बाइक का इस पूरा कंप्लीट अगर ढांचा देखा जाए तो लगभग ऐसा दिखता है, लेकिन आपको ऊपर से कहीं भी नज़र नहीं आएगा ये। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अच्छे से अच्छा लुक देने के लिए कई तरह के कलर या कई तरह के वाइजर लगा दिए जाते हैं जिससे वो अच्छा दिखता है। सोचो, इमेजिन करो, हम गए कहीं बाइक खरीदने के लिए और हमको ऐसा बाइक दे दिया गया शोरूम में लगा हुआ हो और बिकना हो, बेचना हो, इसको शोरूम वाला बेच पाएगा इसे? नहीं बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ढांचा है, इसके अंदर कुछ भी, ठीक वैसे जैसे हमारा बॉडी में स्केलेटन है, उसी तरीके से वेबसाइट का HTML होता है। तो हम लोग जब HTML सीखेंगे तो हम लोग उसमें सीखेंगे स्केलेटन कैसे बनाया जाता है, और अगर हम लोग CSS सीखेंगे तो हम लोग ये सीखेंगे कि उसको ढांचे में कैसे बदला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी और जगह पे दिखा सकते हैं आपको, कई तरह के डिज़ाइन आप देख सकते हैं। ये किसी एक सुपर बाइक, ये नॉर्मल बाइक नहीं है, सुपर बाइक का ढांचा आपको खास दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, कवर होता है, लेयर से कवर होता है। ठीक
ठीक इसी तरीके से कोई दीवार को देख लो, उसका ईंटा दे ही दिख रहा होता है, उसका ईंटा कवर्ड होता है। इसी तरीके से किसी वेबसाइट का ढांचा कैसा रहेगा, कहाँ पे कौन चीज़ रहेगा, ये डिज़ाइन करने का काम HTML का। मेरे पास और भी कई एग्जांपल है, बट इतना लंबा वीडियो करने का मतलब नहीं है। आप सिंपली समझे, किसी वेबसाइट का ढांचा HTML से बना सकते हैं और किसी भी वेबसाइट का डिज़ाइन CSS से बना सकते हैं, तो दोनों मिलाकर वेबसाइट पूरा हो जाता है, डिज़ाइन में पूरा हो जाता है, काम करने में पूरा नहीं होता है। उसके लिए अगर आप काम करना चाहते हैं तो फिर JavaScript जैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए समझते हैं कि अपने लैपटॉप में आप HTML शुरू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर में एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो। टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोड को लिखेंगे। किसका कोड? HTML CSS का कोड लिखेंगे। तो इसमें कई सारे नाम हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे देखो, सबलाइम ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लगभग फ्री आता है, लेकिन कुछ लिमिटेड फीचर के साथ फ्री आता है। पूरा पैसा दोगे तब जाकर ये पेड हो जाएगा। तो ये सबलाइम है जिसमें आप कोड लिख सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आप नॉर्मली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लाइट वर्जन और डार्क वर्जन दोनों ही यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एटॉम टेक्स्ट एडिटर होता है, एटॉम टेक्स्ट एडिटर। कई सारे सॉफ्टवेयर के नाम बता रहे हैं हम आपको। देखिए, ये टेक्स्ट एडिटर का वेबसाइट है जहाँ से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये एटॉम टेक्स्ट एडिटर कुछ ऐसा दिखता है, फोटो देख लो, ऐसा दिखता है। मतलब बेसिकली आप इसमें कोड लिख सकते हैं। इसी तरीके से टेक्स्ट एडिटर नाम पे ब्रैकेट नाम का एक टेक्स्ट एडिटर आता है। देखो, ब्रैकेट टेक्स्ट एडिटर, ये इसका वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला जो टेक्स्ट एडिटर है वो है VS Code। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया हुआ विजुअल स्टूडियो कोड नाम से है, जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है अपने लैपटॉप में। आपको बस सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे फाइल को डाउनलोड करने लगेगा। देखिए 90 MB का है, मेरे पास तो पहले से ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। आपको हम दिखा देते हैं कि डाउनलोड होने के बाद वो VS कोड ऐसा होता है यहाँ पे। तो आपको अपना HTML प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले सबसे पहला काम यह है कि अपने डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं वहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। फोल्डर पे जो भी नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जैसे माई HTML, बहुत आसान। और इसको अगर VS कोड में ओपन करना चाहते हो, तो अगर आपके कंप्यूटर में VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा तो राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन दिखेगा, ओपन विथ कोड। तो ये VS कोड में लेके जाएगा ये फोल्डर को और वहाँ पर इसको एज ए प्रोजेक्ट ट्रीट करेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली हम लोग HTML फाइल बना सकते हैं। कहाँ पे बनाना है, ये जो प्लस का साइन देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे और हम लोग सिंपली फंक्शन फाइल का नाम लिखेंगे लास्ट में, जैसे .c लगाते थे C फाइल में, .cpp लगाते थे C++ फाइल में, .java लगाते हैं .java फाइल में, .vb लगाते हैं vb फाइल में, इसी तरीके से .html लगाते हैं HTML फाइल में। आप HTML या STM भी लिख सकते हो, L भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, चलेगा। ये रहा आपका HTML फाइल जो index.html नाम से यहाँ पे बन गया। अब आपको क्या करना है, अब आप इसमें HTML का कोड लिख सकते हो। तो कोड लिखने से पहले हम कुछ बातें कर लें। देखिए, HTML का जो कोड होता है, ध्यान से देखिए समझिएगा बात, HTML का जो कोड होता है उसे हम टैग कहते हैं। क्या कहते हैं? टैग कहते हैं। पहचान क्या है टैग का? उसके आगे और पीछे एंगुलर ब्रैकेट इस तरीके से लगा होगा और जो टैग का नाम होगा वो बीच में लिखा रहेगा, यानी आगे और पीछे क्या लगा रहेगा? एंगुलर ब्रैकेट कहते हैं इसे, ये एंगल वाला ब्रैकेट है, और बीच में क्या रहेगा? टैग का नाम। इसके दो पार्ट आते हैं, एक पार्ट ऐसा और फिर लास्ट में एक बार स्लैश भी आपको दिखेगा। मतलब सब कुछ सेम ही रहेगा, बस उसमें स्लैश एक्स्ट्रा रहेगा। तो जब स्लैश लगा हो तो समझ जाना ये क्लोजिंग टैग है, यानी ख़त्म करने का टैग है, और जब टैग में आगे स्लैश ना लगा हो तो ये आपका मतलब ओपनिंग टैग है, यानी स्लैश बता रहा है कि हम क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग पहले नहीं, क्लोजिंग टैग ओपनिंग टैग के बाद लगता है, इसलिए हम बाद में लिखा है। ये तीनों चीज़ को अगर जोड़ दिया जाए, तीनों चीज़ इसके बीच में कोई ना कोई चीज़ लिख सकते हैं, टैग का स्टार्टिंग, टैग का एंडिंग और बीच में जो लिखा हुआ है, वो तीनों जोड़ दिया जाए तो उसे हम कहते हैं HTML एलिमेंट। उसे कहेंगे HTML एलिमेंट। तो उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है स्टार्टिंग टैग, उसमें होता है कंटेंट, और उसमें होता है क्लोजिंग टैग। तीन चीज़ें होती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे काम करता है ये। देखिए, एक छोटा सा बात समझा देते हैं कि HTML की शुरुआत, जैसे मान लो H1 टैग, H1 टैग का इस्तेमाल हम लोग
हेडिंग देने के लिए करते हैं। एच वन का टैग यहाँ पे क्या हुआ, ओपन या क्लोज? ओपन, क्यों? क्योंकि स्लैश नहीं है। अब यहाँ पे लिख दे हेलो वर्ल्ड, ये कंटेंट हो गया दूसरा नंबर, और ये है क्लोज। तो काम शुरू करने से पहले टैग लगाना है, काम खत्म करने के बाद टैग लगाना है। बस दोनों में फर्क ये होगा कि जो बंद करेंगे उसमें स्लैश होगा, जिसको बंद नहीं कर रहे हैं वो उसमें स्लैश नहीं होगा। तो बस इस तीनों को मिलाकर हम कहते हैं HTML एलिमेंट, और ये अकेले इस वाले पार्ट को टैग कहते हैं, इस वाले को भी टैग कहते हैं। बस फर्क है, उसको ओपनिंग टैग कहते हैं, इसे हम लोग क्लोजिंग टैग कहते हैं। चलिए इसको समझने से पहले हम सब सीखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। HTML का फाइल शुरू होता है HTML के टैग से। कौन से टैग से? HTML टैग से। चलिए हम पहला टैग जिस पर बारे में बात कर रहे हैं, टैग लिस्ट बना लेते हैं। पहला टैग जो हम लोग सीखने वाले हैं वो खुद HTML नाम का टैग है, यानी वी यूज दिस टैग फॉर स्टार्टिंग HTML डॉक्यूमेंट। इसका इस्तेमाल हम लोग करते इसलिए हैं कि हम HTML शुरू कर रहे हैं, है कि नहीं? हम लोग यहाँ पे शुरू करने के लिए इस जगह पर इस टैग का कोड लिखेंगे, देखो। और जैसे ही हम लिख लेंगे VS कोड ऑटोमेटिक उसको बंद भी कर देता है, तो हमको बंद करने वाला कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ टैग स्टार्ट हुआ, टैग बंद हुआ, बीच में बाकी जो डालना डालो। तो बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट होगा टैग के नाम से, देखिए, और ख़त्म होगा इस एंडिंग टैग पे। बीच में आपको दो तरह के सेक्शंस बनाने हैं। एक HTML के अंदर में, मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा आसान कर दूँ, देखिए हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वैसे ही HTML होता है। HTML और ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी सेम सेम होता है लगभग लगभग। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। देखिए अगर आप नोटिस करेंगे एक ह्यूमन बॉडी में लगभग इसका फेस ऐसा ही होता है, लगभग लगभग इसके ऊपर वाला भाग को हम लोग, गर्दन तक के ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं इसको हेड। बॉडी में क्या कहते हैं इसको? हेड कहते हैं। हमारे शरीर में ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? हेड। और इसके नीचे वाला पार्ट को क्या कहते हैं? बॉडी। यही दो सेक्शन आपको HTML में भी डालना है। देखिए मैंने कैसे डालना है, यहाँ पर HTML कोड में आपको पहले पार्ट में डालना है हेड, डाल दिया तो आपका हेड का सेक्शन बन गया, और हेड खत्म होने के बाद तब आपको बॉडी शुरू करना है। तो आपका यहाँ पे दो सेक्शन बनेगा, किसके अंदर? HTML के अंदर दो जगह बनेगी, दो सेक्शन बनेगा, पहला हेड सेक्शन, दूसरा बॉडी सेक्शन। अब ये बताइए इसमें और बाकी नीचे के पार्ट में क्या अंतर? पहला अंतर बता देता हूँ, जल्दी से सुनिएगा। इसके अंदर हमारे सारे सेंसेस हैं, हमारी समझ, हमारा सूंघने का ताकत, समझने का ताकत, जानने का ताकत, और एक और चीज़, इसके अंदर जितनी चीज़ें हैं लोगों को उससे इन्फॉर्मेशन नहीं है। लोगों को उसका इन्फॉर्मेशन है? नहीं है। जैसे हम क्या सोच रहे हैं आपको पता? क्या हम सूंघ रहे हैं आपको पता? क्या हम बोलने वाले हैं आपको? नहीं मालूम। इसका मतलब जो चीज़ छुपी भी है, एब्स्ट्रैक्ट है, अंग्रेजी शब्द है एब्स्ट्रैक्ट है, उसको हम कहाँ डालेंगे? हेड में। और जो चीज़ दिखानी है वो कहाँ डालेंगे? बॉडी में। बस इतना ही अंतर है। तो एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट में एक चीज़ जो दिखता है सबको वो है हमारी पहचान। हमारा जो फेस वाला एरिया है उसी से तो हमारी पहचान होती है। हम सब किसे जाने जाते हैं? अगर सबका सर काट के हटा दिया जाए तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा कौन कौन था। तो इसके लिए यहाँ पर लगाएंगे टाइटल टैग। कौन सा टैग? टाइटल। टाइटल वो टैग है जो इस डॉक्यूमेंट को नामकरण करेगा, यानी इस डॉक्यूमेंट को नाम देगा। आप क्या करेंगे? बस सिंपली उसका नाम डाल देंगे, ठीक है? कैसे डालेंगे? देखिए माई HTML पेज ऐसे लिख देंगे, ये इसका नाम हो गया। अब यहाँ पे फेसबुक लिख दो, गूगल लिख दो, जो लिखना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए स्टार्ट हुआ टैग, ये कंटेंट हो गया उसके बीच में, और ये एंडिंग हो गया टैग। अगर आप हेड सेक्शन को देखेंगे तो ये स्टार्ट हुआ, ये सब कुछ क्या है उसका कंटेंट है, और ये क्या हुआ? बंद हो गया। इसी तरीके से बॉडी टैग बाकी सब काम कर रहा है। अगर आपको इसका आउटपुट देखना है तो क्या करेंगे? इस कोने में देखिए यहाँ पे गो लाइव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इस कोने में क्या दिख रहा है? गो लाइव। अगर आपको ये गो लाइव बटन नहीं दिख रहा है तो आपको अपने एक्सटेंशन पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ सर्च करना है इंटरनेट कनेक्ट करके लाइव सर्वर, ठीक है? ये वाला ऑप्शन आएगा, ये लाइव सर्वर का। यहाँ पे मेरा अभी इंस्टॉल है पहले से, अनइंस्टॉल बटन मेरा दिख रहा है, आपको इंस्टॉल बटन दिखेगा, क्लिक कर दीजिएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल होगा ये वाला बटन आपको दिखेगा गो लाइव, बस आप इस पर क्लिक करिएगा। और जैसे क्लिक कीजिएगा किसी ना किसी ब्राउजर पे वो HTML पेज जो अभी आप बनाए हैं वो आउटपुट आ जाएगा।
आ गया, क्योंकि आप बॉडी में कुछ डाले नहीं है इसलिए पूरा सादा है। लेकिन आपका जो टाइटल था ऊपर देखिए दिख रहा है माई एचटीएमएल पेज। अब आप चाहें तो इसका कलर वलर चेंज कर सकते हैं। चलिए हम दिखाते हैं कैसे करना है। इस बॉडी टैग में आपको यहाँ पे लिखना है बीजी कलर। क्या लिखना है? बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर, और उसके बाद जो कलर का नाम आपको याद किया था बचपन में वो कलर का नाम लिख दीजिए। जैसे येलो येलो या येलो। देखिए अब आपको यहाँ पे कलर का नाम लिखना है। सिंपली आप रेड लिख सकते हैं, सिंपली आप इसमें ब्लू लिख सकते हैं। जो कलर आप लिखिएगा वो कलर आपको बैकग्राउंड में नजर आ जाएगा। मेरे हिसाब से तो वाइट ही ठीक था, और अगर वाइट ही चाहिए तो फिर मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो वाइट। आप इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, तो चलो इसके लिए सीखेंगे हम लोग। इस टॉपिक का आखिरी टॉपिक है एचटीएमएल हेडिंग। हेडिंग बनाने के लिए एचटीएमएल के पास जो टैग्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो एचटीएमएल हेडिंग में टोटल H1 एक टैग है जो सबसे लार्जेस्ट है, या कह सकते हो बिगेस्ट है, इससे बड़ा हेडिंग नहीं है। H2 उसके बाद है, H3 उसके बाद है, H3, H4 उसके बाद है, H4, H5 उसके बाद है। ये H5, H का मतलब यहाँ हेडिंग है। हेडिंग 1 सबसे बड़ा हेडिंग, हेडिंग 2 उससे छोटा हेडिंग, हेडिंग 3 उससे छोटा हेडिंग, ऐसे करके हम लोग लास्ट में पहुँचते हैं H6 में। H6 से छोटा कोई नहीं होता, इसलिए ये स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अब हम इसको ट्राई करते हैं। देखिए सब लोग देखिए, हम ट्राई करने जा रहे हैं। बॉडी टैग में हम लोग H1 का टैग डाल रहे हैं। अब ये H1 का टैग में आप जो कुछ लिखेंगे, जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा, तो आपको वो हेडिंग नज़र आएगा। दिखाता हूँ आपको आउटपुट। देखिए ये देखिए हेडिंग आ गया, ये हेडिंग सबसे बड़ा यही है। इससे ज़्यादा बड़ा करना है तो फिर CSS सिखाएंगे तब बताएंगे। अब इसी तरीके से हम लोग इसको 6 बार बना लेते हैं। H2, H3, H4, H5, H6, देख लेते हैं कौन किससे कितना बड़ा है कितना छोटा है। ये देखिए, तो क्या देखा आपने, सबसे बड़ा कौन है आपका H1 और सबसे छोटा H6। तो आपको जितना बड़ा साइज चाहिए जहाँ पे चाहिए वैसे हिसाब से उसका हेडिंग लगाइए। ध्यान रहे ये सारे टैग बॉडी में ही काम करेंगे, हेडिंग हेड में लगाने की ज़रूरत नहीं है इसको। हेड में ऐसा नहीं है कि टाइटल बड़ा हो जाएगा, नहीं होगा। चाहे कुछ भी लगा लो टाइटल अपना साइज में ही रहेगा। ठीक है, तो कोई मॉडिफिकेशन हेड में मत कीजिएगा, बॉडी सेक्शन में करना है। ये था ये 5 टॉपिक जिसके बारे में बात कर रहे थे। एक बार रीकैप ले लेते हैं। देखो एचटीएमएल के कमांड को, एचटीएमएल के कोड को हम क्या कहते हैं, टैग्स कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, देखो स्टार्टिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, तीनों मिलके क्या हो बन जाता है, एलिमेंट हो जाता है। तीनों मिलके क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। एलिमेंट में 3 चीज़ें होती हैं, स्टार्टिंग एंडिंग और क्लोज। क्लोज ऑप्शनल होता है, वो बाद में बताएंगे क्यों। ठीक है, तो तीसरी बात क्या समझा हम लोग, एचटीएमएल के टैग के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, एक का नाम है हेड और दूसरे का नाम है बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको जो कुछ छुपाना है, जो कुछ पब्लिक को नहीं दिखाना है लेकिन रखना है वो हेड में रखिएगा, जो कुछ आपको पब्लिक को दिखाना है उसे आप बॉडी में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। हेडिंग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, और ये 5 टॉपिक जो इस वीडियो में हम कवर किया है इसको पहले प्रैक्टिस करो, और उसके बाद फिर आगे चीज़ें बताएंगे हम। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लिंक के ऊपर, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं HTML के अलग अलग।